नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 4 और 5 मई 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको बता दूं अपने दो चैनल हैं, एक टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया, वो चैनल इससे भी पहले से है, वहां पर 3 लाख से ज्यादा हमारी सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हमारी फैमिली हो चुकी है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। CBDT एंड GSTN साइंड फॉर विच पैक्ट, यानी CBDT और GSTN ने किस संधि के लिए, मतलब किस पैक्ट के लिए अभी हस्ताक्षर किए, मतलब सिग्नेचर किए हैं। सबसे पहले देखिए CBDT। CBDT क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, लिख लेना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड GSTN, GSTN मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ठीक है। GST की फुल फॉर्म आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बट साथ में N लग गया, सो नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, याद रखिएगा दोनों के फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो किस पैक्ट के लिए अभी साइन किए गए हैं, मतलब किस संधि के लिए साइन किए गए हैं, किसके लिए किए गए? नैब इवेडर्स के लिए, यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। मतलब ये क्यों किया गया है? टैक्स चोरी करने वालों को काबू करने के लिए, और जो ब्लैक मनी की, ब्लैक मनी वालों की जो प्रोडक्शन है, मतलब उसकी जो पैदावार है, उसको कम करने के लिए CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क दोनों ने डेटा का एक्सचेंज करने के लिए एक समझौता किया है, मतलब एग्रीमेंट किया है। और इसमें सारी डिटेल्स इसमें इंक्लूड की जाएगी, जैसे कि 2 साल पुरानी जो इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था है उसकी, ठीक है। IT डिपार्टमेंट यानी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि IT रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस, बिजनेस की टर्नओवर, ग्रोस इनकम, ग्रोस टैक्स इनकम और GSTN के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज दी मिनी मैराथन रन टू वोट ऑर्गेनाइज रिसेंटली, यानी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के लिए किस जिले में रन टू वोट नाम की मिनी मैराथन आयोजित की गई है? कहाँ पे की गई है? लेह में, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, लेह में आयोजित की गई है, आपको याद रख लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, और आपको पता है अभी इलेक्शन नियर अबाउट है, ठीक है, और इसके नज़दीक कोई भी एग्जाम होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आपको, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के रन टू वोट नाम की मिनी मैराथन लॉन्च की गई है, यानी कि आयोजित की गई है लेह में, और ब्रांड एम्बेसडर जो जम्मू कश्मीर के हैं इलेक्शन अथॉरिटी के, ठीक है, यानी कि सना दुआ, SANADUA सना दुआ, इन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट है, वेयर डिड BSNL लॉन्च भारत फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस, यानी BSNL ने, मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा कहाँ पे अभी शुरू की है? अगर आपने सुना होगा BSNL ने अभी भारत फाइबर यानी कि इंडियन फाइबर, ठीक है, नाम इसका रखा गया है भारत फाइबर ब्रॉडबैंड की सर्विस एक शुरू की है। सो वो कहाँ पे अभी शुरू की है, कहाँ पे किए? कश्मीर वैली में, ठीक है, कश्मीर घाटी के पास शुरू की गई है, आपको याद रख लेना है। कश्मीर वैली स्टेट ऑन टेलीकॉम फर्म BSNL यानी कि दूर संचार फर्म BSNL भारत फाइबर लॉन्च के साथ पुलवामा में, याद रखना, पुलवामा में PULWAMA, ठीक है, पुलवामा में ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने वाला फर्स्ट ऑपरेटर बन चुका है BSNL, याद रखना है। कश्मीर घाटी में ये फर्स्ट है फाइबर टू दी होम, याद रखिएगा। और इस बिजनेस को एक बिजनेस पार्टनरशिप मोड में पुलवामा एरिया के एक लोकल चैनल पार्टनर है उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर, यानी कि राजस्व शेयरिंग के आधार पर इसको लॉन्च किया गया है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हेन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2019 हैज ऑब्जर्व्ड, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2019 कब मनाया गया है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हर साल मनाया जाता है 3 मई को। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि हर बार 3 मई को ही मनाया जाता है, होता क्या है कि मंथ में, मई मंथ में जो फर्स्ट फ्राइडे होता है, ठीक है, मई मंथ में फर्स्ट फ्राइडे चाहे एक को आए, चाहे दो को आए, तीन को आए, चार को आए, पांच को, मतलब मई मंथ में जो पहला फ्राइडे होता है उसी दिन ये मनाया जाता है। अब 3 मई को क्या था? फ्राइडे, तो 3 मई को ये मनाया गया है, और ये 26th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, याद रखना है आपको, 26th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये।
और ये डे फ्री प्रेस के लिए, यानी कि फ्री प्रेस के स्ट्रगल को मनाने के लिए है, मतलब जो वो स्ट्रगल करते हैं ठीक है उसके लिए है। और ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब ये इथियोपिया में इसको आयोजन किया गया है, मतलब इसका ठीक है इथियोपिया में। और हर साल अलग अलग कंट्री में इसका आयोजन होता है, इस बार इथियोपिया में अदीस अबाबा नाम की एक जगह पे किया गया है। 3 दिन तक ये चला है, 1 से 3 मई तक, याद रखिएगा 3 दिन तक ये चला है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, किसी भी इंपॉर्टेंट डे की हम बात कर रहे हैं उसके थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो इसकी थीम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। लॉन्ग है थोड़ी, आप नोट कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ इसकी थीम, मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, लिखिए मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शंस इन टाइम्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन। फिर से रिपीट करूँगी इंग्लिश में, फिर से मैं आपको हिंदी में भी बताऊँगी ठीक है। सो लिखिए मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शंस इन टाइम्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन। अब हिंदी में आप नोट कर लेना, लोकतंत्र के लिए मीडिया ठीक है, फर्जी खबरों और सूचना के दौर में पत्रकारिता एवं चुनाव ठीक है। फिर से हिंदी में रिपीट करूंगी, लोकतंत्र के लिए मीडिया, फर्जी खबरों और सूचना के दौर में पत्रकारिता एवं चुनाव, इसकी ये थीम रखी गई है। और ये भी आपको याद रखना है, ये शुरू किसके द्वारा किया गया था, सो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1993 में, यानी 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी एक असेंबली में, सो आपको याद रखना है। और इनका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव इनका ये है वर्ल्ड की गवर्नमेंट को याद दिलाना, मतलब उनके जो एक्सप्रेशन है यानी जो अभिव्यक्ति है ठीक है उसकी आज़ादी के लिए अधिकार, मतलब जो राइट है ठीक है, आज़ादी के लिए जो राइट है और जो सम्मान है यानी रिस्पेक्ट है, रक्षा है, उस मतलब उसकी रक्षा करना और उसका सम्मान करना है ठीक है, और वो इनका ऑफिशियल इनकी ड्यूटी है, मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको याद रख लेना है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये इसका आयोजन यानी कि कहाँ पे किया गया, इथियोपिया में, और मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम वहाँ पे किया गया है। और इथियोपिया की हम बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है, अदीस अबाबा, अदीस अबाबा में ही इसका आयोजन किया गया है। और इसकी करेंसी क्या है, इथियोपियन बिर, BIRR बिर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बताती हूँ क्यों। हुआई बिकेम दी विच नंबर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर, यानी हुआई किस नंबर की दुनिया का, मतलब दुनिया में किस नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है हुआई ठीक है, किस नंबर की बनी है, सेकेंड पे, पहले सेकेंड पे थी एप्पल, एप्पल को पीछे छोड़कर हुआई बन गई है वर्ल्ड की सेकेंड नंबर की सबसे लार्जेस्ट स्मार्टफोन निर्माता, और फर्स्ट पे अभी तक भी सैमसंग ही है, याद रखिएगा फर्स्ट पे है सैमसंग, सेकंड पे पहले एप्पल थी, लेकिन अब एप्पल को पीछे छोड़कर हुआई का नाम सेकंड नंबर पे आ चुका है, आपको याद रखना है। हुआई की हम बात करें, इनके प्रेजेंटली सीईओ कौन है, रेन जिनफी, इनका नाम आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है, विच इज़ द बेस्ट सिटी फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स इन 2018, अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है ठीक है, मतलब 2018 में भारतीय निवेशकों के लिए, यानी कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, मतलब जो इंडियन इन्वेस्टर्स फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं ठीक है, उनकी रिपोर्ट निकल के आई है कि जो अच्छी सिटी उनके लिए, मतलब कौन सी रही है इन्वेस्ट करने के मामले में, कौन सी रही है, लंदन, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी कम ऑफ 31 हेलीकॉप्टर्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी रक्षा मंत्रालय ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितने कम ऑफ 31 हेलीकॉप्टरों को मंजूरी दी है। तो अभी अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कम ऑफ 31 हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए मंजूरी दी है, कितने, 10, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है ठीक है। और ये लेंगे कहाँ से, रशिया से, रशिया से लेंगे, नियर अबाउट 3600 करोड़ ठीक है, नियर अबाउट 3600 करोड़ में ये खरीदेंगे इंडियन नेवी के लिए, आपको याद रखना है। और पहले भी इंडिया के पास वैसे है ठीक है, कम ऑफ 31 हेलीकॉप्टर इंडिया के पास पहले 12 है, अब 12 के साथ 10 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 22। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के पास कम ऑफ 31 हेलीकॉप्टर कितने हैं, सो अब बन जाएंगे 22, पहले हैं 12, अब 10 ऐड हो गए हैं। और ये लेंगे कहाँ से, रशिया से, ये भी आपको याद रख लेना है, 3600 करोड़ के नियर अबाउट ये खरीदेंगे, आपको याद रख लेना है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और हमारी जो रक्षा मंत्री है यानी कि डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अगुवाई में डिफेंस काउंसिल यानी कि रक्षा परिषद की एक मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, उसी में रक्षा मंत्री के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट है, विच मेडल वन बजरंग पुनिया इन
अली अलाइव रेसलिंग टूर्नामेंट, अली अलाइव कुश्ती टूर्नामेंट में बजरंग पूनिया ने अभी कौन सा पदक जीता है? कहीं पे आपको इसका लिखा मिलेगा अली अलीव, ठीक है? वैसे ये अली अलाइव है, ठीक है? सो आपको वैसे इंग्लिश में ही नोट कर लेना है इसको। कौन सा पदक जीता है इन्होंने अभी? गोल्ड मेडल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको 2-3 दिन में काफ़ी बार इनका नाम सुनने को मिला होगा, क्योंकि मैंने आपको पहली बार तो यही बताया था। 65 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड नंबर के ये फर्स्ट रेसलर बन चुके हैं। उसके बाद बजरंग पुनिया जी के बारे में मैंने आपको बताया, मैडिसन स्क्वेयर गार्डन में पार्टिसिपेट करने वाले फर्स्ट इंडियन भी यही बन चुके हैं, और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है? और एक क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, इसके साथ मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको याद हो गए होंगे, इस वीडियो के कमेंट में आपने ज़रूर इसका लिखना है, ठीक है? जितने भी आपको इनकी डिटेल्स पता होगी, क्योंकि मैंने लगभग 4 क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड बता दिए, सो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, दी विमेन पुलिस ऑफ विच स्टेट फॉर्म्ड अबक्का फोर्स, यानी किस राज्य की, यानी किस स्टेट की महिला पुलिस ने, मतलब लीडी पुलिस ने अबक्का फोर्स का गठन किया है? अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, अभी बताया गया है एक स्टेट है जिसकी लेडीज़ पुलिस ने, यानी वुमेन पुलिस ने अबक्का फोर्स का गठन किया है। किस स्टेट में किया गया है? कर्नाटक में। यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें होगा क्या, जो महिलाओं के साथ गलत होता है, मतलब छेड़खानी होती है, ठीक है, उसमें मॉल में ही निगरानी रखी जाएगी, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर यानी कि ऐतिहासिक स्थानों पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर निगरानी रखी जाएगी, आपको याद रखना है, और बीच पर भी, ठीक है, बीच पर भी अगर कुछ भी गलत ना हो वहाँ पे, उसके लिए ये शुरू किया गया है और बहुत ही अच्छी पहल ये की गई है। और इसके लिए आपको याद रखना है कर्नाटक के में ये किया गया है, और कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। नोट कर लेना, कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर। गवर्नर है वजू भाई वाला जी, फिर से रिपीट करूँगी, गवर्नर है वजू भाई वाला जी, और चीफ मिनिस्टर कौन है? एच डी कुमार स्वामी जी। एच डी कुमार स्वामी जी हैं इनके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री, किसके? कर्नाटक के। नेक्स्ट है, हु विल होस्ट दी एशियन यूथ विमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप, यानी एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की, मतलब एशियन यूथ विमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप की होस्टिंग कौन करेगा, यानी कि मेज़बानी कौन करेगा? कौन करेगा? ये अगस्त 2019 में होगी, अगस्त 2019 में होगी, और इसकी होस्टिंग करेगा जयपुर। यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आपको याद रखना है। और ये 8th है, ये भी क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मतलब एशियन यूथ वीमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप की 8वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? आपको साथ में नोट डाउन कर लेना, ये 8वीं बार है और जयपुर इसको आयोजित करेगा, ठीक है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, आप सबको पता है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 2017 में एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की थी? 2017 में जब हुए, इसकी मेज़बानी की थी जकार्ता ने, यानी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता ने की थी 2017 में। अब याद रख लेना है, 2019 में करेगा जयपुर, अगस्त 2019 में, ठीक है? चाहे अपकमिंग एग्जाम में आपको पूछा जाए कौन करेगा, चाहे उसके बाद की बात हो, पर आपको बस जयपुर रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड एशियन कोऑपरेशन डायलॉग मिनिस्ट्रियल मीटिंग बी ऑर्गेनाइज, यानी एशियाई सहयोग संवाद मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे अभी आयोजित की गई है? कहाँ पे आयोजित की गई है? दोहा में। यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, और दोहा में की गई है, और ये कौन से नंबर की बैठक है? 16th। पूछा जा सकता है कि 16th नंबर की मीटिंग कहाँ पे आयोजित की गई है? किसकी? एशियाई सहयोग संवाद मंत्री स्तरीय की। और आपको याद ही रखना है कि ये 16th नंबर की है, जो कि कतर की कैपिटल दोहा में आयोजित की गई है। कतर, QATAR, कतर की कैपिटल है दोहा, जहाँ पे आयोजित की गई है। और इंडिया की तरफ से जनरल वीके सिंह जी है जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। फिर से रिपीट करूँगी, अगर पूछ लिया जाए ये 16th बैठक में इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, किसने किया है? जनरल वीके सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, लिख लीजिए, पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, इसकी थीम रखी गई है इस बार की, याद रखिएगा, यानी कि 2019 की। और इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में, 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलाइन ऑनर ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है AS किरण कुमार जी को,
यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये कौन है? इसरो के पहले अध्यक्ष थे ये, कब से कब तक? 2015 से लेकर 2018 तक ये इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, इसरो के कौन से पूर्व अध्यक्ष है जिनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? बस आपको इनका नाम याद रख लेना है, AS किरण कुमार। और 2015 से लेकर 2018 तक ये पूर्व अध्यक्ष थे किसके? इसरो के, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। और इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है, अंतरिक्ष सहयोग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, सो इसी वजह से इनको ये दिया गया है क्या? सर्वोच्च नागरिक सम्मान फ्रांस की तरफ से। हम किसकी बात कर रहे हैं? इसरो की। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जिसकी स्थापना हुई थी 1469 में, यानी कि 1469 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेड क्वार्टर है बेंगलोर में। और केशवान जी इनके प्रेजेंटली अध्यक्ष है। साथ में हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांस की। फ्रांस की तो मेनली हम बात कर रहे हैं। इसकी कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो, EUR, ठीक है, यूरो। और प्रेजिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन है इनके प्रेजेंटली प्रेजिडेंट। EMMANUEL इमैनुअल मैक्रोन, MACRON। नेक्स्ट देखिए, हु स्टेड ऑन टॉप वन इन ICC रैंकिंग? ICC रैंकिंग यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में कौन अभी शीर्ष पर रहा है? यह क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश रहा है? अपना इंडिया, याद रखिएगा। और दुबई रैंकिंग ये जारी की गई है, दुबई में रैंकिंग जारी की गई है जो कि टेस्ट सीरीज की है। टेस्ट में रहा है इंडिया टॉप पर। और वनडे की अगर बात की जाए, टॉप पर कौन है? इंग्लैंड। अगर हम वनडे की बात करें तो वनडे में इंडिया रहा है सेकेंड नंबर पे, मतलब फर्स्ट पे रहा है इंग्लैंड। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो इंडिया टॉप पे रहा है, याद रखना है आपको। और हम बात किसकी कर रहे हैं? ICC की, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में, यानी कि 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और इनके प्रेजेंटली CEO कौन है? डेव रिचर्डसन जी हैं, ठीक है, प्रेजेंटली वही है, लेकिन अपॉइंट किए जा चुके हैं नए मनु साहनी जी। वो मैंने आपको आज से 4-5 मंथ पहले भी बता दिया था, लेकिन जुलाई में वो चार्ज लेंगे, ठीक है, याद रखना है। जुलाई के बाद मनु साहनी जी का ही नाम आएगा। अगर आपको पूछा जाए अपॉइंट किसको किया गया है, फिर मनु साहनी ही आएगा आंसर आपका, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रेजेंटली CEO कौन है ICC की, सो वो कौन है? डेव रिचर्डसन जी, ठीक है, डेव रिचर्डसन जी है, यानी कि ICC के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। और चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर। इनका नाम भी आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड दी उद्यम स्किल सेंटर इन बैंगलोर? बेंगलोर में उद्यम नामक कौशल सेंटर, यानी कि कौशल केंद्र, मतलब स्किल सेंटर जो है, उसका शुभ आरंभ किसने किया है, मतलब किसने उसको लॉन्च किया है? किसने किया है? LIC HFL ने, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मतलब LIC HFL, HFL मतलब हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड ने, याद रखना। और क्या लॉन्च किया है इन्होंने? कौशल केंद्र, यानी कि स्किल सेंटर उद्यम नाम से एक लॉन्च किया गया है, ठीक है। और आपको याद रखना है, लोक भारती एजुकेशन सोसाइटी के साथ ये लॉन्च किया गया है, और दिल्ली और बेंगलोर में इसे लॉन्च किया गया है, याद रखना, दिल्ली और बेंगलोर में अभी इसे लॉन्च किया गया है, बाद में बाकी सिटीज़ में भी इसका विस्तार किया जाएगा, याद रखना है। हम बात कर रहे हैं LIC HFL की, यानी कि हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड की। सो इसके प्रेजेंटली MD और CEO कौन है? विनय शाह जी। विनय शाह जी हैं जो LIC HFL के प्रेजेंटली MD और CEO हैं। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम दी फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ऑफ दी बोर्ड ऑफ BSE? BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की पहली इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, मतलब स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? कौन बनी है? जयश्री व्यास जी, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जयश्री व्यास है जो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की इंडिपेंडेंट, यानी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर बन चुकी है, मतलब पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बन चुकी है। और MD और CEO कौन है? BSE के। किसकी बात करें हम? BSE की। आशीष कुमार चौहान इनके प्रेजेंटली CEO और MD है। और जयश्री व्यास ये प्रोफेशनली क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये याद रखना है, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये। कौन? जयश्री व्यास, ठीक है। और 1986 से लेकर MD है ये। किसके?
श्री महिला सेवा सहकारी बैंक अहमदाबाद में, फिर से रिपीट करूंगी, 1986 से अब तक जय श्री व्यास श्री महिला सेवा सहकारी बैंक अहमदाबाद में एमडी हैं, 1986 से हैं, सो इसलिए इनका नाम यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया जीके, हरियाणा जीके, पंजाब जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है वो, उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उसमें, ठीक है। सो अगर आपको नीड है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस की है 4 और 5 मई 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।